अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मैं हबीबा। आप लोग सुन और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया रेडियो। आज आपको पाकिस्तान के शहर मुल्तान के एक ऐसे मकबरे की सैर करवाने जा रही हूँ जिसको बहुत ही अहमियत हासिल है। वैसे तो मुल्तान को औलिया कराम का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में कुछ नेक हस्तियाँ मदफून हैं। तो आइए चलते हैं शहर मुल्तान में। मुल्तान पाकिस्तान का एक तारीखी शहर है। और ये 5000 साल पुराना माना जाता है। मुल्तान को मकबरों का शहर भी कहा जाता है। ये मकबरा शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतेह का है और शाह रुकने आलम के नाम से मशहूर है। ये तुगलक फने तामीर की जिंदा मिसाल है। मोर्खिंग का कहना है कि ये मकबरा रियासतुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 के दरमियान बनाया था। वो सूफी बहाउद्दीन जकरिया के मकबरे के करीब दफन होना चाहता था। ताहम रियासतुद्दीन तुगलक हिंदुस्तान में दिल्ली में फौत हुए और वहीं दफन किए गए। रियासतुद्दीन तुगलक के बेटे सुल्तान मोइनुद्दीन तुगलक ने बाद में ये मकबरा बनाया। मकबरा जो ऑक्टागोनल शक्ल का है, मीलों से देखा जा सकता है। शाहरुख ने आलम का मकबरा यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल है। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पकी हुई ईंटों के हैं, जबकि सतून शीशम की लकड़ी से बने हुए हैं। इन मुआद की वजह से ये मकबरा सदियों से कायम है। मकबरे में नीली और सफेद टाइलें हैं और जियोमेट्रिक पैटर्न में क्रेविंग है, जिनमें सितारे पेंटागोन और मुसद्दस को अबूर करते हैं। शाहरुख ने आलम ने 1971 में इसकी तजयीन और आराइश की। हर साल 10 लाख से ज्यादा सयाह इस मकबरे को देखने आते हैं। ऐसी ही मजेदार नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे प्रोग्राम्स और मौसीकी से लुत्फंदोज होने के लिए जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.dreammediaradio.com और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की आईडीज को फॉलो भी कर सकते हैं, जो कि है ड्रीम मीडिया रेडियो। तो इंतजार रहेगा आपका।